राम राम जी, जय हिंद दोस्तों और भाई लोगों। आज मुझे ये बहुत ही प्रसन्नता हो रही है बताते हुए। मैं एक ऐसी चीज लेके आया आप लोगों के लिए जिसका मुझे और आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत पुरानी चीज है और बहुत इंपोर्टेंट भी है। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पायल बनाने में चेन और डाई के पीस दो चीजें होती हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो होती है एस नाका। एस की मशीन आपने देखी है, कई सारे वीडियोस भी आपने देख रखे हैं। हाथ वाली होती है, ऑटोमेटिक होती है, जानते हैं। लेकिन नाके की मशीन के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि नाके की मशीन कैसी होती है, कैसे काम करती है। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको नाके की मशीन कैसी होती है, काम कैसे करती है, क्या एक मशीन से एक ही नाका बनता है, अलग अलग तरीके के नाके भी बन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करूं, आपको सारी चीजें दिखाऊंगा ए से जेड तक। लेकिन सबसे पहले वही दो अपनी पुरानी बातें भैया, रिक्वेस्ट है, चैनल नया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिए। और हाँ, मशीन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहा है, प्लीज कॉल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। और इस मशीन के पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। तो ये है पायल के नाके। अब ये नाके क्या होता है, क्या होते हैं ये बता दूं। जो एस हम पिरोते हैं वो इन नाकों के अंदर डालते हैं, ठीक है। एकदम से आपको ये गोल कटे हुए मिलेंगे और इन नाकों को काटने के लिए थोड़ा सा नाके ही क्लोज से आप देख लीजिए, क्लोज व्यू ले लीजिए, ये नाके हैं। और पायल में नाके और गले की चेन में हर जगह लगाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाके लगाना, क्योंकि बिना नाके के तो काम हो नहीं सकता। तो अब ये नाके जो है ये मोटे वाले हैं, बड़ी पायल में लगते हैं। कुछ पायल बच्चा पायल होती हैं, कुछ गले की चेन्स होती हैं, हर एक की डिमांड अलग अलग होती है। तो ये देखिए छोटे वाले नाके हैं और खास बात ये है इनके ऊपर डिजाइनिंग भी है, डिजाइनिंग वाले भी नाके हो जाते हैं। इसकी मशीन क्या है वो दिखा देते हैं। तो चलिए मशीन देख लीजिए, आपको चलाते हुए दिखाते हैं मशीन। चलिए पहले सिंपल तरीके से दिखा देता हूँ। ये हमारी एक मशीन है, ठीक है, ये इसके नाके बनाने की मशीन है, पायल के नाके की। और ये फीको कंपनी थी एक जर्मनी की, वो कंपनी जो है वो बॉक्स मशीन बनाया करती थी। इस पे हम लोगों ने, मतलब आगरा वालों ने, इसमें सुधार करते हुए इसको कई पर्पज में ले रखा है। एंकर चैन भी बनती थी 50 साल पहले इससे, और 50 साल से ये नाके भी बना रही है। बहुत पुरानी मशीन है ये। तो थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ, इससे काफी अलग अलग तरीके के नाके भी बन जाते हैं। ये देखिए, ये है दीपक नाका बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दीपक वाला नाका। यानी जो इसकी जो खूबसूरती है, जो डिजाइनिंग है, आप देख पा रहे होंगे दीपक की लौ की तरह, तो इसको दीपक नाका बोलते हैं, वो भी इससे कटता है। तो ये है हमारी मशीन, बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही ईजी है। ये 8-10 कैम होते हैं चैन मशीनों की तरह, उससे नीचे लीवर अटैच है, लीवर में गोली पड़ी हुई है, गोली से यहाँ से फिर। अब आपको चला के दिखाते हैं, थोड़ा सा डेमो कराते हैं। मैं भी दिखा देंगे आपको। ये आप थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाना चाहता हूँ आपको मैं। ये देखिए किस तरह से मशीन में के अंदर तार जा रहा है ऑटोमेटिकली, किस तरह से कट रहा है और किस तरह से मशीन है नाका बना रही। आप एंजॉय करिए, स्लो मोशन में देखिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आधा एचपी की मोटर लीजिए और ऐसे कनेक्टिंग रॉड लगाइए नीचे, एक टेबल बनाइए और 4-5 मशीन बड़े आराम से चलाइए। तो ये तो मैं पुरानी मशीन आपको डेमो कराने के लिए। अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप कॉल करिए, इसकी रेट भी बता दूंगा, कुछ ज्यादा महंगी नहीं है। काम को देखते हुए इसका वेट भी बता दूंगा। ये हमारी नई मशीन तैयार हो रही है, ठीक है, और ये जाने वाली है राजकोट। थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये धूल मिट्टी जम गई है क्योंकि उधर से पैसा नहीं भेजा उन्होंने। तो जैसे ही वो पैसा भेजते हैं इसको साफ करके, और ये जाने वाली है राजकोट। तो इसकी तरह और भी मशीनें तैयार ऑन ऑर्डर पे तैयार हो जाएंगी।
और आपको दिखा दूं, ये आप काम भी देख पा रहे हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि इस मशीन में जो तार चलेगा वो दो ही तरीके का चलेगा, या तो फ्लैट या फिर हाफ राउंड, या तो ये फ्लैट वाला इस टाइप का, लेकिन या अगर अपन आप हाफ गोल तार राउंड के बनाने चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो ग्रुप होता है जिसके अंदर तार चलता है उसमें उसी वाला जो टाइप मैं का ग्रुप आप डाल देख रहा रहे हूँ। हैं, गोल तार का है देखिए। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों, सबसे खास बात यह है कि आपने देखा होगा क्रिस्टल वाली पायलों में जैसे अंगूठी है, और अंगूठी में ये बीच में नग लगा हुआ है, ये देखिए नग के ऊपर, देखिए ये नग, तो नग जिसमें फिट है, एक मिनट ये क्लियर हो जा, हाँ ये जो नग जिसके ऊपर फिटे है ना, ये छल्ला जो है वो इन्हीं मशीनों से बना हुआ है। अच्छा ये छोटा है, मैं आपको बड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बड़ा वाला है, ये देखिए। तो ये जो है इन मशीनों में साइज चेंज होता है, इन मशीनों में जो ये वायर है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दो तीन चीजें यहाँ से जो प्लास होते हैं वो बदलने पड़ते हैं, और ये ग्रुप इसके दूसरे लीवर डालने पड़ते हैं, और कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। ये सब बदलने के बाद इन मशीनों से आप छोटे से छोटे बड़े से बड़े नाके बना सकते हो। लेकिन 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 भाई अगर आप साइज चेंज किए बिना चलाते हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन साइज चेंज करते हो तो थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, और सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम आपको बता के दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, मशीन देखने में और चलाने में बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर मशीन के बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे नंबर देख ही रहे हैं, प्लीज कॉल करिए। इसी बात के साथ थैंक यू, मशीन तैयार है, जिस किसी को भाई को चाहिए, भाई राजकोट वालों ने पैसा नहीं दिया, जिस किसी को चाहिए तुरंत लीजिए, धन्यवाद।